हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की, यानी आप अपने बच्चे को गर्भ में ही अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं ताकि जब आपका बच्चा बाहर इस दुनिया में आए तो वो एक संस्कारी पुरुष या संस्कारी बच्चा, संस्कारी इंसान बने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका कितने परसेंट विकास हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका 80% विकास, यानी कि उसकी पूरी लाइफ का 80% विकास, डेवलपमेंट पूरा उसके माँ के पेट में ही हो जाता है। तो यानी हमको अपने बच्चे को गर्भ में ही बहुत अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि गर्भ संस्कार क्या होता है। जब बच्चा माँ के पेट में 3 महीने का होता है तो वो माँ के द्वारा सुनी जाने वाली चीज़ें या खाई जाने वाली चीज़ें, जो भी मतलब माँ सुनती है, देखती है, महसूस करती है, उन सब का अनुकरण करने लगता है। उसके बाद जब बच्चा 5 महीने का होता है तो उसको अपने आहार विहार, चिंतन या जो भी कह लीजिए, सबकी बातों को सुनने समझने का मतलब उसका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि वो बाहर की सारी बातें सुन सकता है, समझ सकता है कौन क्या बोल रहा है। इसलिए कभी भी जब कोई गर्भवती महिला आपके पास है तो आप उसके सामने कोई गंदे वर्ड मत बोलिए, उससे कोई घटिया व्यवहार मत करिए, उससे अच्छे से बातचीत करिए, उसको खुश रखिए। प्रेग्नेंट महिला को खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा और बर्थ के बाद भी उसका वही स्वभाव बन के आएगा। अगर जब माँ के पेट में बच्चा है और वो दुखी रहती है तो आप हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो बच्चे के पास जाता है माँ के द्वारा, वो बाधित होता है, उसका फ्लो धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मतलब एकदम वीक, कमज़ोर कह लीजिए, क्योंकि उसको सही पोषण नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो काफ़ी वीक पैदा होता है। प्लस जैसे वो माँ दुखी रहती है, चिड़चिड़ाती है, लड़ती झगड़ती है, कोई उसको गलत बातें बोलता है, वही सब बच्चा सीखता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव का, लड़ाकू, झगड़ालू, इन सब चीज़ों से रहित पैदा होता है, वो वही चीज़ें फिर आगे चल के करता है। तो बच्चे का ब्रेन लगभग पर डे 5,000 शब्दों का अनुकरण कर सकता है वो अपने ब्रेन पे, इतना उसका ब्रेन डेवलप होता है, यानी बच्चे का अनुकरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चा जब 6 मंथ का होता है तो बाहर की जो भी बातें होती हैं उसको बहुत ही अच्छे से अपने ब्रेन पे सेट करने लगता है। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए पर डे यानी 24 घंटे में 4 घंटे अपने बच्चे से अच्छे से उसको बात करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड उसको मतलब बोलना चाहिए, प्लस अच्छे संगीत उसको सुनाना चाहिए, सत्संग वगैरह सुनाना चाहिए, जैसे गीता के हो गए या जो भी आपका ग्रंथ है, जो आपके पसंदीदा हैं, गीता है, बाइबल है या जो भी है, आप उसके श्लोक उसको बच्चे को सुना सकते हैं। तो या गायत्री मंत्र आपको डेली करना चाहिए, डेली गायत्री मंत्र दिन में 5 से 6 बार तो कम से कम उसको बच्चे को सुनाइए ही सुनाइए। प्लस जो बच्चे के पिता हैं वो भी बच्चे से बात करें, माँ बाप तो हो गए उसके, प्लस जो भी हैं भाई बहन हैं या दादा दादी हैं, सब लोगों को बच्चे से बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सबकी बातें सुन सकता है, महसूस कर सकता है, और जब वो बाहर निकल के आता है तो वो सब चीज़ें उसको याद रहती हैं। जो नई एक जीवात्मा होती है हमारे शरीर में पल रही होती है, उस वो तो अपना पुराना शरीर छोड़ चुकी होती है, लेकिन वो अपने इस नए शरीर में नए शरीर का कोई भी अनुभव नहीं ले रही होती है, वो वही अनुभव करती है जो माँ अनुभव करती है। तो इसलिए आप हमेशा एक प्रेग्नेंट महिला के पास बहुत ही, उसके घर का वातावरण एकदम पवित्र, स्वच्छ और अच्छा होना चाहिए, उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और बच्चे को मधुर संगीत सुनाना चाहिए, जैसे कि जो आप उसको सुनाएंगे जब वो पैदा होगा, उसके बाद अगर आप उसको सुनाएंगे तो वो उसको पहचान के और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं। इसके बाद बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है, 6 मंथ में बच्चे की ब्रेन की जो नस नाड़ियाँ होती हैं वो 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से
बढ़ने लगती हैं, यानी कि हम बच्चे के जो ब्रेन की नस नाड़ियाँ होती हैं वो 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बनने लगती हैं। 6 मंथ में बच्चा बच्चे की स्वाद इंद्रियाँ यानी उसकी स्वाद लेने की शक्ति भी सक्रिय हो जाती है, उसकी एकाग्रता भी सक्रिय हो जाती है, यानी उसको हम जो भी सुनाते हैं या जो भी वो बाहर का सुख दुख जो भी माँ महसूस करती है वो खुश रहती है तो बच्चा खुश रहता है, अगर माँ दुखी है तो बच्चा भी दुखी रहता है, ये सब चीज़ों को महसूस करने लगता है 6 मंथ के बाद। तो हमेशा माँ को खुश रहना चाहिए। 6 मंथ में बच्चा माँ के शारीरिक दर्द को भी महसूस करने लगता है, यानी माँ को अगर शारीरिक कष्ट है कोई, उसको कोई दर्द हो रहा है तो बच्चा उसको पूरी तरह से महसूस करेगा, उसे पूरा एब्जॉर्ब करेगा कि हाँ माँ को ये कष्ट हो रहा है। यानी 6 मंथ से वो इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि वो अपने माँ के बॉडी का पेन भी समझ लेता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। यानी माँ को बहुत ही खुश रहना चाहिए, तभी बच्चा भी इस खुश स्वस्थ और हंसमुख स्वभाव का पैदा होगा। परिवार को भी परिवार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ को खुश रखे, एक ऐसा वातावरण निर्मित करे जिससे माँ और बच्चा दोनों प्रसन्नचित्त रहें। प्लस 7वें महीने में बच्चे को हम संगीत सिखा सकते हैं, यानी 7वें महीने में बच्चा संगीत सीख सकता है। आप उसको मधुर ध्वनि सुनाइए, उस चीज़ को वो पूरी तरह से अनुकरण करता है, उसको सीखता है। और ये नासा द्वारा भी वो किया गया है कि ओम ओम बहुत ही एक प्राकृतिक और बहुत ही अच्छी ध्वनि है जो हम बच्चे को सुना सकते हैं, उससे बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है, एकाग्रचित्त होता है और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो आप ओम ध्वनि बच्चे को सुना सकते हैं, प्लस गायत्री मंत्र तो आपको स्टार्टिंग से ही पूरे 9 मंथ सुनाना ही सुनाना है बच्चे। उसके बाद 8वें माह की हम बात करें तो 8वें माह में बच्चा पूरी तरह से हर चीज़ सीखने, उसको एकाग्र करने, उसकी याददाश्त का पूरा केंद्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ब्रेन में। वो जो भी सुनता समझता है उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं। वो जब पैदा होता है 9 मंथ 8वें मंथ के बाद आप संगीत ही नहीं, बच्चे को आप श्लोक वगैरह या कोई मंत्र है ये सब चीज़ें भी बच्चे को आप सिखा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुरूप बच्चे को आप ढाल सकते हैं, जो कि गर्भ संस्कार की बहुत महत्वपूर्ण ही स्थिति होती है ये, कि हम अपने बच्चे को जिस रूप में ढालना चाहें, एक अच्छा इंसान बनाना चाहें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, या फिर जो हम चाहें वैसा बना सकते हैं जैसा भी हमको पसंद है। प्लस 9 मंथ की हम बात करें तो 9 मंथ में बच्चा कई भाषाओं को सीखने की क्षमता रखता है, यानी जब हमारे पेट में बच्चा होता है उसका 9वां महीना चल रहा होता है तो 9 महीने में बच्चा कई भाषाओं को सीख सकता है, सिर्फ गर्भ में ही रहकर वो कई भाषाओं को सीख सकता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गायत्री मंत्र का डेली एक माँ को जाप करना चाहिए, अगर पूरे 9 महीने बच्चे को गायत्री मंत्र माँ सुनाती है या घर में भी जैसे जप होता है या करती है वो, तो उससे बच्चे का बौद्धिक विकास अनंत रूप से विकसित होता है। उसके बाद जब बच्चा 9 महीने को कंप्लीट करने के बाद डिलीवरी होती है बाहर आता है तो वो अपनी सारी सूचनाओं को एकत्रित करते हुए बाहर आता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को गर्भ संस्कार दे सकते हैं। आपकी दिनचर्या पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा पूरे 80% आपके पेट में ही विकास अपना कर चुका होता है, तो आप उस हिसाब से जिस तरीके से आप अपने बच्चे को डालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।